न्यू सब्सटेंस और यू कैन से अ न्यू सब्सटेंस इज़ बीन फॉर्म्ड एंड व्हाट हैपेंड दैट यू हैव सीन इन अ केमिकल रिएक्शन देर इज़ ऑलवेज द रिएक्टेंट पार्ट एज वेल एज द प्रोडक्ट पार्ट. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट. लेट्स फोकस विद एन एग्जाम्पल देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट. Now you can focus, I made a reaction over here and calcium hydroxide plus nitric acid gives you calcium nitrate, Ca it is, and water to water molecule. Now this is a chemical reaction. Now I am saying there is a chemical change takes place because you can see this portion, you know, it is a reactant part. It is a reactant part and this portion is what your product part. So this much must be clear to you. So why I am saying it is a chemical reaction, because there is a chemical change taking place in a chemical reaction and a new substance is formed. They are what? The products, they are new, entirely different from the reactant. ठीक है. So this way we can say that a chemical change is been taking place in a chemical reaction. So what happens? That reactant change themselves to the product. So you have to see the chemical changes in a chemical reaction. That's why the name of the chapter is there, chemical changes and reaction. तो ये सारे reactions हैं. इन reactionों में आपको क्या देखना है कि कैसा chemical change हो रहा है, किस तरह के नए product बन रहे हैं, product हैं तो कौन से color के हैं या कौन सी gas निकल रही है तो क्या उसकी smell है. इस तरह की चीज़ें we have to see in this part, right? एक्चुअली वॉट हैपन ना, इन केमिकल रिएक्शन देर इज़ ऑलवेज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन और करेक्टरिस्टिक्स हैपन. नाउ वट डज दिस मीन, वट स्टेटमेंट आई हैव रिटन, वॉट हैपन्स दैट वेन एवर योर केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, यू विल सी सर्टन चेंजेस इन द रिएक्शन. वेन द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड, आइदर चेंज इन द कलर और गैस इज इवॉल्व और सर्टन प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब PPT इज बीन ऑब्टेन और हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड और हीट विल बी इवॉल्व. सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव यू अ सूटेबल, आई विल गिव यू विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जाम्पल. एक्चुअली आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर विथ फ्यू थिंग्स सो दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स कि यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज वट विल हैपन इन दिस रिएक्शन इन दिस चैप्टर एंड वॉट विल हैपन इन द रिएक्शंस. सो ये इंग्लिश का लिखा है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे होगा क्या. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, या तो कोई आपको कैसे पता चले, आप कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है और कैसे केमिकल चेंज उसके अंदर हो रहा है, तो या तो कलर चेंज होगा या कोई गैस निकलेगी या कोई प्रेसिपिटेट मतलब PPT बनता है, नीचे सॉलिड पार्ट बनता है जो कि इनसॉल्युबल रहते हैं ज़्यादातर प्रेसिपिटेट्स, तो वो चीज़ बनेगी. या किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, हीट निकलेगी या हीट है ना एब्जॉर्ब होगी, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे. लेट्स फोकस ऑन वन बाय वन विद द डिफरेंट पॉइंट्स. नाउ वी विल फोकस वन बाय वन. चेंज इन द कलर, द पॉइंट इज दैट आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल लाइक राइट. सो लेट्स फोकस ऑन इट, लाइक कॉपर नाइट्रेट आई एम यूजिंग. सो दिस इज कॉपर नाइट्रेट और कॉपर टू नाइट्रेट. वाई टू आई एम सेइंग, क्योंकि इसकी वैलेंसी कॉपर इज टू ओवर हियर. व्हेन इट इज बी, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द कॉपर नाइट्रेट एंड यू नो दैट कॉपर नाइट्रेट इज ब्लू इन कलर. सो व्हेन इट इज हीटेड अप right, it goes for reaction, it give you copper oxide that is black in color. So this is the reaction in which we are focusing on the precipitate colors and over here copper oxide is black. NO2 is reddish brown gas, oxygen is colorless gas, but we are not focusing on the gases, we are focusing on the first fact that is the colors. राइट. तो ये क्या है, ये आपका ब्लू कलर का होता है और जो आपको रिजल्ट में प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर मिलेगा. तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. कैसा दिख रहा है ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट, और जब वो शुरू वाला केस देखेंगे चेंज इन कलर, इट विल चेंजेस टू ब्लैक. नाउ जस्ट सी रेडिश ब्राउन कलर. अब आप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेडिश, आई एम ब्रिंगिंग क्लोज टू इट. सो रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है. आप ये मत देखिए कि आई हम ला रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए गैस कैसी निकल रही है. द गैस दैट इज कमिंग आउट इज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2. नाउ दिस मच इज क्लियर टू यू, दैट टू कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो. Now next come to this part, we'll focus on the precipitate part. So I took one example of copper sulfate and you can see that it's been reacted by sodium hydroxide. It's give you sodium sulfate and copper hydroxide. Right now you should know how to make this reaction, that is very very important. Now this much so in the previous chapter I have told you, like copper sulfate, aapko pata hai copper sulfate ka formula kya hai, theek hai. Aapko ye bhi pata hai NaOH ka formula kaise banega. अब आपने क्या करा, देखिए दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव. तो जो भी जुड़ता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का
केस होता है. सो व्हाट इज़ द पॉइंट दैट इफ आई एम फोकसिंग ऑन माय दिस पार्ट दैट कॉपर इज़ व्हाट पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव टू माइनस टू, दिस इज़ पॉजिटिव वन माइनस वन, आई एम नॉट बैलेंसिंग जस्ट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हाउ द फॉर्मुलेज विल बी मेड. तो ये कॉपर ये OH के साथ जुड़ेगा तो इसने ये बना लिया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये Na आपका सल्फेट के साथ जुड़ा है तो Na2SO4 इसने बना लिया. ठीक है, नाउ यू नो हाउ टू मेक द फॉर्मुलेज नाउ, दैट इज़ बीन क्लियर टू यू बिकॉज देयर बैलेंसीज बीन देयर. तो बैलेंसीज को आप सेटिस्फाइड कर रहे हो तो आपकी चीज़ें आ रही हैं. अब यहाँ पॉइंट है बैलेंसिंग वाली बात, जैसे आई पुट टू ओवर इन द मेन रिएक्शन, सो लेट्स फोकस ऑन इट. ये आपका फॉर्मूला टू बना तो इसको बैलेंस, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो भी टू है तो आपने ओवरऑल यहाँ टू लगा दिया जिसकी वजह से यू गेट द सोडियम इज ऑल्सो टू एंड OH इज ऑल्सो टू, दैट इज़ बीन बैलेंस. नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू हाउ दिस वॉज हैपनिंग, वॉट टू थिंग्स वर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव यू द फॉर्मुलेज. नाउ द पॉइंट अराइजेज आई हैव रिटन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब इन दोनों में से प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है और कौन बना रहा है, ये जो होता है सोडियम सल्फेट ये एक्चुअली कलरलेस होता है. हम आप टेंथ में इसका डिटेल्स समझेंगे लेकिन अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू इट इज़ कलरलेस. बट कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है आपका, ये एक प्रेसिपिटेट है और ये कलर्ड होता है. राइट, इट इज़ अ प्रेसिपिटेट एंड इट इज़ अ कलर्ड वन. नाउ द पॉइंट इज दैट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉपर आयरन और क्रोमियम्स कोबाल्ट, ये जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये जब सॉल्ट बनाते हैं तो ये आपके कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं. द रीज़न बिहाइंड दैम इज़ दैट कि ये सब के सब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं. आप आगे पढ़ेंगे पर मैं आपको ज़रा सा बता रही हूँ यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं और एंड दे फॉर्म्स बे कलर्ड कंपाउंड्स. तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपका बन रहा है ये एक कलर्ड होता है PPT के लिए हम ज़्यादातर एरो डाउन लगाते हैं और एक PPT बनाएगा. ये PPT मतलब सॉलिड पार्ट आपको मिलेगा जो कि पेल ब्लू कलर का होता है. पेल ब्लू हो गया हल्का ब्लू, डार्क ब्लू नहीं रहेगा. जबकि कॉपर सल्फेट जो यहाँ पे आ रहा है वो आपका ब्लू कलर का होगा डार्क ब्लू फॉर्म में. तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. आई थिंक दिस मच बी क्लियर टू यू. नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर पार्ट्स, दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट. Now we'll focus on the next point, that is evolution of heat. Evolution का मतलब होता है heat will be released in reactions. You have seen in your house also whenever the whitewash is being done. So when we use that particular compound, that is your Now we'll focus on the next topic, that is evolution or absorption of heat. Let's take one examples, then only you can understand. Evolution of heat का मतलब होता है the heat will be released during the reaction, है ना. तो heat energy will released and that type of reactions are always exothermic. This thing you have discussed in class 8 also. Let's focus once again on it. जैसे we are writing, I am writing one example of nitrogen combines with hydrogen. एक reversible reaction है, double arrow लगा हुआ है और ये reaction काफ़ी conditions पे चलता है. But you are small, I am writing only one condition over here. तो ये आपका ammonia gas मतलब hydrogen और nitrogen और hydrogen दोनों when they will combine they give you ammonia gas and heat will also be released. Right, plus sign indicate कर triangle indicate करता है हमेशा heat के लिए. और plus अब तुम यहाँ देखोगे आप या triangle बना हुआ है या heat चाहिए भी आपको और heat निकल भी रही है. तो प्लस साइन का मतलब है हीट इज़ रिलीज्ड आउट और इट इज़ बीन इवॉल्व. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ वॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एवोल्यूशन ऑफ हीट इज़ वॉट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. आई बैलेंस द रिएक्शन ऑल्सो. सो इससे भी हम कहते हैं ये कंडीशन पता चली कि रिएक्शन हीट निकल. अब आप कैसे जानोगे रिएक्शन चल रहा है, तो जिस कंटेनर में आप कर रहे होगे वो गर्म हो जाएगा, है ना. तो दैट विल बी द केस. और या कोई जो गैस निकल रही होगी वो गर्म गैस निकल रही होगी. सो दिस वे यू कैन बैलेंस इट ओवर हियर. एंड नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग इन द बैलेंसिंग पार्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन डिटेल इन द फर्स्ट चैप्टर. अब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे आप हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या हीट एनर्जी आपको चाहिए होती है उस रिएक्शंस को अकम्प्लिश करने के लिए. राइट, सो दैट रिएक्शंस आर वॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन. वॉट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे आर, एंडो thermic. We'll discuss them in later form also, but still I am giving a small idea because we are talking about आप कैसे जानेंगे कि chemical reaction आपका हो रहा है, क्या पहचान होगी कि कैसे indicate करेंगे chemical reaction हो रहा है. So we have discussed 4 points. There are other points also, but in our course we have this much only. So let's focus on this. Again we are taking nitrogen gas and it has been reacting with oxygen gas. ठीक है, ये दोनों gases ये आपस में react करेंगी और ये आपका NO gas बना लेंगी. अब ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर आपका हीट क्या होगी,
आपको चाहिए होगी इस रिएक्शन को चलाने के लिए, आप हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए आपने क्या कर दिया, इस रिएक्शन का नाम क्या कर दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक बात, टू आइडेंटिफाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा प्लस ट्राइंगल लगा होगा, या यहाँ प्लस हीट लिखा हो या हीट की वैल्यू लिखा हो, आपको मालूम है कैलोरीज या केक कैलोरीज या जूस वगैरह में लिखा हो, तो वो ऐसी कोई वैल्यू आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि, लेकिन प्लस में होगा देन इट विल बी एन एक्सोथर्मिक। इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव और यही कंडीशन हीट अंग्रेजी में लिखा हो या फिर ट्राइंगल बना हो या एनी थिंग इज बीन देयर, सो दैट थिंग ऑल्सो इज बीन इंडिकेट दैट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आई थिंक ऑल द पार्ट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेशन हाउ द कम्पलिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ वील फोकस ऑन आर मेन सिलेबस दैट वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर इन आर कोर्स। Now we'll see the type of chemical changes and because of these chemical changes you know it results to chemical reaction. तो एक chemical reaction में किस तरह के chemical changes हो रहे हैं और कौन सी तरह की के आपको chemical reactions मिल रही हैं, that we will see. So ये chemical changes की वजह से हमें different types of chemical reactions we are getting. I am just writing down the names which are there in a course. There may be others also, but please focus on the your syllabus. Don't go beyond that. So first one is direct combination. This thing you have done in class 8 also, which is also known as synthesis, right? The next point is your decomposition reaction, right? And the next point is your displacement reaction ko we also called as substitution reaction. And the last is this displacement reaction is also known as substitution reaction, I have written it. And the last, the fourth one is double decomposition reaction. And these four reactions we'll discuss one by one in details. You have to focus in it that definition is asked, first thing. Second, they ask you write one reaction. Third thing, they give you a reaction. They will ask you what type of chemical reaction is been is this particular, or which type of chemical reaction is been shown by this reactions, or type of chemical changes. So that is also a part that has been asked. So in this pattern only you have to learn this entire chapter. It's also an important chapter. I'm again telling you, please, 9th standard is a place where we clear up our concepts. Once the concepts is clear, then 10th, 11th, 12th become very easy. Now I am starting with the first point. क्या होता है कि direct combination, जब क्या होगा, element combines together, they give you a compound. अगर एलिमेंट आपस में जुड़ जाओ, क्या रिजल्ट करें, कंपाउंड, दे फॉर्म कंपाउंड. या सेकेंड पॉइंट हो जाए एलिमेंट कंपाउंड को ही मिल जाए एंड इट गिव्स यू अ न्यू कंपाउंड. ओवर हियर आल्सो न्यू कंपाउंड यू कैन राइट डाउन. सो न्यू कंपाउंड, सो ओवर हियर आल्सो न्यू कंपाउंड. देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कंपाउंड दो डिफरेंट कंपाउंड्स व्हेन दे आर कंबाइनिंग टुगेदर देन आल्सो दे विल लीड टू यू अ न्यू कंपाउंड. This is the way how you can see this thing. Element milke compound banane hai, new compound bana, element ya ek compound rahe tab wo new compound bana rahi hai, compound milke koi naya new compound bana rahi. We'll see the examples, then only we can understand what I want to tell you. Now we are focusing on the first case when element combine together to form your compound. You know that this part is what reactant part and this part is what a product parts. So I was telling you जब element combined होते हैं, let's focus on it. First suppose एक example है, when I am taking hydrogen reacts with Cl2, right? This is also considered as an element, this will also consider as an element, and this particular reaction takes place in sunlight. तो उस condition में आपको क्या मिलता है, HCl. हाउ यू हैव जज, क्योंकि एच और सी एल है तो कोई और तीसरा प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता अलग तरीके का, इट विल फॉर्म एच सी एल. नाउ टू बैलेंस इट इज़ ऑल्सो टू सिंपली पुट टू ओवर हियर. नाउ वाई दिस इज इन दिस केस दैट इट इज़ कमिंग इन दिस कैटेगरी, क्योंकि एलिमेंट मिल के कंपाउंड बना रहे हैं. देर आर सर्टन रूल्स ऑल्सो, राइट? सो देर आर सर्टन रिएक्शन, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि एवरी रिएक्शन यू विल लर्न,
बट द पॉइंट इज दैट कि वेन वी आर फोकसिंग आई विल टेल यू द रूल्स ऑल्सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सो दिस पार्ट मस्ट बी क्लियर टू यू कि एलिमेंट एलिमेंट मिल रहा है, कंपाउंड बना रहा है. अब रूल्स की बात आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ रूल्स लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन खाली नहीं, ऑक्सीजन गैस रहेगी, तो वो हमेशा इट विल फॉर्म यू अ मेटालिक ऑक्साइड, राइट. ये एक रूल है बहुत बढ़िया सा कि इफ़ यू हैव लर्न इट देन इट विल हेल्प यू आउट कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट गिव्स यू अ मेटालिक ऑक्साइड. नाउ व्हाट डज दिस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स. अब सपोज करो हमारे पास मेटल तो हमें मालूम है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे हम एक लेके चलते हैं. एक मेटल हमने चूज़ करा Na. अब ऑक्सीजन गैस, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड आपको मालूम है Na और O, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, सो यू कैन मेक इट दैट इज़ Na2O. तो आप क्या बना लोगे यहाँ, Na2O यू विल फॉर्म. सो दिस मच इज़ क्लियर टू. नाउ यू कैन ईजली बैलेंस, यू नीड टू ऑक्सीजन ओवर या यहाँ दो लगाई हुआ है, दो और चढ़ा दीजिए इस पर. नाउ ऑक्सीजन विल बी टू, दैट इज़ बैलेंस, बट सोडियम इज़ नॉट बैलेंस, सो टू टू इज़ अ 4 यू विल पुट ओवर या. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. आप कोई भी ले सकते हो, हमने यहाँ पोटेशियम सोडियम लिया, आप पोटेशियम लोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, आपने सिर्फ यहाँ से K हटा लेना है और यहाँ पर K लगा देना है, बस यही. दिस सेम रिएक्शन इज़ बीन अप्लाइड फॉर योर पोटेशियम ऑल्सो, बट इन कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम चेंज हो जाएगा क्योंकि इट्स वैलेंसी इज़ डिफरेंट, दैट इज़ 2. लेट फोकस ओन दैट ऑल्सो. सपोज आई टुक कैल्शियम ओवर या, राइट. सो कैल्शियम ऑक्साइड आपको मालूम है, फॉर्मूला बनाना आता है, आपने ऐसे बना लिया. देखिए यहाँ वैलेंसी दोनों की 2-2 है, तो 2-2 से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ टू बैलेंस इट अप, सिंपली राइट डाउन 2 ओवर या. अब यू पुट 2, ऑक्सीजन इज बैलेंस बट कैल्शियम इज़ नॉट बैलेंस, पुट 2 ओवर या, सो यू गेट अ बैलेंस्ड वैल्यू फॉर कैल्शियम. सो आई थिंक दिस रूल इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स फोकस ऑन वन मोर रूल, दैट इज़ योर व्हाट हैपेंड व्हेन अ नॉन मेटल. अब अभी तक तो आपने मेटल्स की बात करी, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स, व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, व्हाट डज इट गिव्स. सो इट विल गिव यू अ नॉन मेटालिक, राइट, नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है. तो नॉन मेटालिक में अगर सपोज करिए, नॉन मेटल कौन होते हैं, जैसे सल्फर है, कार्बन है, आपने एक सल्फर चूज़ करा, ठीक है, एक एग्जांपल ऑक्सीजन गैस. अब वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ये सल्फर SO2 के साथ SO प्लस O2 क्या बना लेगा, आपका SO2 बना लेगा, ये आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया. अब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है, सल्फर एक है, सल्फर यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे दो हैं. तो दिस मच इज़ क्लियर टू यू. ये दोनों प्लीज़ नोट कर लीजिए, दीज आर अ रूल और द फॉर्मूला दैट विल हेल्प यू आउट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू. सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर पार्ट्स ऑल्सो. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब इट्स कमिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद एलिमेंट्स गिव यू अ न्यू कंपाउंड. सपोज आई टुक अ कंपाउंड से कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम उसको एलिमेंट ऑक्सीजन ही है हमारा, उससे कंबाइन करवा लें, तो वो हमें क्या दे देगा, इट विल गिव यू अ CO2. नाउ यू नो दिस इज़ अ गैस, दिस इज़ ऑल्सो अ गैस, दिस इज़ अ गैस, दिस मच यू शुड नो इट नाउ. क्या कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस. नाउ बैलेंसिंग पार्ट ऑल्सो इज बी नाउ क्लियर टू यू ऑल. सो कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. लेट्स स्टार्ट विद इट, लेट पुट 2 ओवर हियर. आई एम सीइंग वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, दैट विल गेट लेटर ऑन. सो कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2s are 4. अब क्या करें, यहाँ पे पुट 2 हो गया, जस्ट सी कार्बन इज 2, कार्बन इज 2, ऑक्सीजन देखिए इधर 4 है, इधर भी 4 है, कैसे, 2 1s are 2 एंड 2 हो गया, सो 2 plus 2 is 4, इट इज़ अ बैलेंस. सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड चूज़ करना है. कंपाउंड आप पीछे देख चुके हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो दे विल फॉर्म यू अ न्यू कंपाउंड. सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट, एंड वी सी सम अदर पॉइंट्स ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, कंपाउंड. कंपाउंड रिएक्ट्स टुगेदर, इट विल गिव यू अ न्यू कंपाउंड. लेट्स फोकस ऑन इट, लाइक हाउ वी कैन सी और वॉट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर देयर. सो आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल टू यू. जैसे हमने कोई भी एक कंपाउंड चूज़ करा, फॉर एग्जाम्पल हमने अमोनिया गैस ली, ठीक है. दिस अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद अदर कंपाउंड HCl, इट्स ऑल्सो अ गैस ओवर हियर, देन इट विल गिव यू अ न्यू कंपाउंड दैट इज NH4Cl.
राइट, तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड बन जाएगी, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और ये अमोनियम क्लोराइड आपका सॉलिड स्टेट. मैंने ये रिएक्शन इसीलिए रखी, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये 10th में बोर्ड में भी आती है और 9th में भी आती है. सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वे यू कैन सी दैट ए कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, इट विल गिव यू अ न्यू कंपाउंड. यू कैन चूज सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन द केस ऑफ कंपाउंड. लेट्स फोकस, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करा और हमने CO2 के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, राइट. सो दिस मच इज़ ऑल्सो बी देयर, एंड दिस वे यू कैन सी, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक में भी ये रिएक्शन आएगी, यहाँ पर भी आएगी ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में, और हीट इसमें रिलीज होगी, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सोथर्मिक में भी आएगी जब आप आगे पढ़ेंगे. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, देर आर मैनी ऑफ एग्जाम्पल्स, बट आई एम नॉट फोकसिंग इन ऑल द रिएक्शंस, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर रिमेंबरिंग द रिएक्शन इन दिस पार्ट ओनली. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द मेटालिक ऑक्साइड, जो हमने पीछे बनाए थे उसको हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं. अगर दिस, नाउ द रूल इज़ दैट दिस मेटालिक ऑक्साइड विच इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, इट्स रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स यू अ बेसिक हाइड्रोक्साइड. आई एम अगेन टेलिंग यू, मेटालिक ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ बेसिक ऑक्साइड, वेन इट्स रिएक्ट्स विद द वाटर इट गिव्स यू बेसिक हाइड्रोक्साइड. सो वॉट वी हैव चूज, लाइक वी हैव डन दिस एग्जाम्पल विद सोडियम ऑक्साइड वॉज रिएक्टिंग, and over here it's reacting with water. What will it gives? It gives you its basic oxide. Na2O का basic oxide होता है NaOH. Now you have to balance it, right? ये rule याद रखना है, ये आपको बनाना आता था. metallic oxide पानी के साथ react करा, आपको एक basic hydroxide मिलेगा. Now what you have to do? Just balance. You see Na is 2, over here it's 1. Oxygen is 2, hydrogen is 2 here. It's better you put 2 over here. Once you put 2 over here, everything will be balanced. Na be 2, oxygen will be also 2, and hydrogen will be also 2. So this is the one example. Suppose if I want, now suppose I took calcium oxide and it's reacting with water, तो ये calcium hydroxide बनेगा. देखिए calcium hydroxide कैसे बनेगा. Calcium है, hydroxide का symbol ये है. Symbol आपने लिख लिए हैं, balance ही आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन मेक इट. तो यू राइट डाउन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओवर हियर. नाउ जस्ट सी द बैलेंसिंग पार्ट. कैल्शियम इज़ 1, कैल्शियम इज़ 1. ऑक्सीजन इज़ 2, ऑक्सीजन इज़ 2. हाइड्रोजन इज़ 2, हाइड्रोजन इज़ 2. तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड. नाउ आई थिंक ऑल द रिएक्शंस एंड अदर थिंग्स इज क्लियर टू यू ऑल, एंड यू कैन प्रैक्टिस अदर रिएक्शंस ऑल्सो. इफ़ यू आर टेकिंग दिस एसिडिक ऑक्साइड एंड वेन दे विल रिएक्ट विद वाटर, अगेन इट इज़ अ रूल, इट विल ऑलवेज ऑलवेज गिव यू एन एसिड. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. वॉट हैपन, एक एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल गिव यू एन एसिड. आई एम टेलिंग यू, रिएक्शंस मस्ट बी देयर इन योर बुक, बट रूल्स आर नॉट रिटन. रिएक्शंस हैं पर रूल नहीं बताए गए, नहीं लिखे गए कि क्या बना रहे हैं. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, वैन यू आर आई एम मेकिंग द वीडियो, यू कॉपी डाउन ईच एंड एवरी थिंग. सो एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, गिव यू एन एसिड. अब आप कोई भी अपना एसिड जो आपने बनाया था पीछे उठा लीजिए. आपने SO2 बनाया तो उठाइए, वाटर बनाइए, एसिड बनाइए. बहुत आसान है बनाना, सिर्फ जो लिखा है उसे काउंट कर दीजिए. पहले H लिखा जाता है, फिर S होता है, फिर वो होता है. ठीक है, एच कितने, हाउ मच, 2 इज़ देयर, एस सिंगल इज़ देयर, तो थोड़ा पास लगा लीजिए. ऑक्सीजन हाउ मैनी आर देयर, 1, 2, 3. अब ये भैया कौन सा एसिड बना है, इट्स अ सल्फ्यूरस एसिड. सो यू शुड रिमेंबर द नेम्स बिकॉज यू आर द फर्स्ट टाइम लर्नर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ सल्फ्यूरस एसिड. थोड़ा सा से मॉडिफाइड कर दीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सपोज आई टुक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, जोड़ दीजिए. हर जगह ये रूल लागू नहीं होता, लेकिन हर जगह यही चीज़ चलती है. एच लिखिए, कार्बन लिखिए, ऑक्सीजन. H is how much? 2. Carbon is alone and this thing. ये तो बहुत common है आपका acid, that is carbonic acid. I think you have drink your cold drinks and these things you are drinking and you are feeling the, you have experienced this carbonic acid, right? So it's unstable in nature. ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वापस it breaks to CO2 and water. तभी तो when you drink cold drink bottles after sometimes when you open your car, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, द CO2 इज़ बीन रिलीज्ड, बिकॉज कार्बोनिक एसिड भरा होता है, अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर. तो वो चीज़ जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जस्ट इफ़ यू फील लाइक दैट यू आर ड्रिंकिंग स्वीट वाटर, राइट, दैट फीलिंग इज़ नॉट कमिंग. सो दैट टेस्ट बेसिकली कम बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड दैट इज़ प्रेजेंट इन योर कोल्ड ड्रिंक्स. नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू, सो इट इज़ वन ऑफ द रूल. लेट्स फोकस वन मोर रूल ऑल्सो.
there is one more rule, that is metallic element and non-metallic elements, when they combine they give you soluble, insoluble. This thing you have to remember, the salt that is coming, it's soluble or insoluble. But let's focus on it one by one. And again, these all are coming in your this thing, direct combinations reaction. कोई भी आप metal उठा लीजिए, suppose करिए आपने Na, आपने oxygen का देखा था ना, अब आप oxygen के बदले use some other non-metallic, जैसे Na के बदले, not Na, this focus on Al. So Al plus, let's non-metallic element Cl2 ले लीजिए. Now you know how to balance it or make the formula. Let's focus one again. This is 3 and this is 1. You, when you cross multiply it, what you will get? AlCl3. Now you have made the formula. बहुत से reactions होते हैं where you can easily make the formulas and you can easily have a compounds you can form by looking it. And these concepts should be, but the initial point is that your concept should be clear to you. So this is easiest one, क्योंकि दोनों elements थे, आपने दोनों को join करा, compound बना दिया. ठीक है, element element मिला, compound you are forming. Now you have to balance now. द बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ये तो अलग अलग अकेले अकेले कभी बैलेंस हो जाएंगे, इनसे हम फोकस करें. तो लेट्स स्टार्ट विथ 2. सो 2 अगेन यू कैन पुट 3 ओवर हेयर एंड 2 ओवर हेयर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस पार्ट, ये जो सॉल्ट आ रहा है ना, ये सॉलेबल भी हो सकता है, इनसॉलेबल. अब ये हमें पता है, आप तो अभी छोटे हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यहाँ बन रहा है, जो भी सॉल्ट बना है आपका, ये सॉलेबल है, राइट. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना है. कुछ सॉल्युबल होंगे, कुछ इनसॉल्युबल होंगे, ये चीज़ें आपको देख के चलनी होंगी कि वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, कि वाटर इनसॉल्युबल है. तो दीज आर मैक्सिमम रूल्स विच वी हैव डिस्कस ओवर हियर. बट वंस अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, देर आर अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द एग्जाम्पल्स. वंस अगेन आई एम राइटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, दैट वॉट आई वॉन्ट टू टीच यू इन द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, राइट. सो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैंने तीनों रिएक्शन, तीनों तरीके के रिएक्शंस हम लोग ने डिस्कस करें और तीनों लिखी हैं. अब देखिए, पहला जो हमने अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट्स टुगेदर गिव यू अ कंपाउंड, ये फुलफिल हो रहा है ये रिएक्शन, इसीलिए ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आएगा, राइट. दिस से दिस इज़ अ कंपाउंड, दिस इज़ एन एलिमेंट. तो कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर गिव यू अ कंपाउंड, हमारी डेफिनेशन फुलफिल कर रही है. जस्ट सी, दिस इज़ अ कंपाउंड, दिस इज़ अ कंपाउंड, इट विल फॉर्म यू अ न्यू कंपाउंड अगेन. सो प्लीज़, रिएक्शंस आपको ऐसे लिखे हुए आएंगे, दे विल आस्क यू वॉट टाइप ऑफ केमिकल चेंज दे आर शोइंग, वॉट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज. सो यू शुड जज बाई लुकिंग द रिएक्शन. आई टीच यू मैनी थिंग्स इन दैट, राइट. सो प्रैक्टिस अदर रिएक्शंस ऑल्सो, बिकॉज रिएक्शंस का कोई सिलेबस नहीं होता है. दे कैन गिव यू एनी रिएक्शन फ्रॉम योर इंटायर बुक. सो प्लीज़ डोंट से कि अगर बोर्ड में आ रहा है और टीचर्स आर गिविंग यू दैट दे आर आउट ऑफ